एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 2 का क्वेश्चन ऐसे तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर का देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी डैश के समय हुई। खाली स्थान पर होगा एलिजाबेथ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ के समय हुई। खा नंबर में है, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस डैश के दरबार में आया। खाली स्थान पर होगा जहांगीर। जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। ग नंबर है, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी डैश स्थान पर स्थापित की। खाली स्थान पर होगा सूरत। ग नंबर है, डैश ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया, तो खाली स्थान पर होगा सिराजुद्दौला। अंगा नंबर पर है, मिर्जाफर ने प्लासी युद्ध में डैश का साथ दिया, तो खाली स्थान में होगा अंग्रेजों। मिर्जाफर ने प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरे क्वेश्चन में जो है ना, वो क्वेश्चन आंसर है, वो मैं आपको कॉपी में लिख के दिखाती हूँ। एक्चुअली मैंने पहले लिख के रखा हुआ है, आपको मैं दिखा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है इसमें, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाजत किसने दी? आंसर, शाहजहां ने दी थी। दूसरे नंबर में है, प्लासी के युद्ध का एक कारण का क्या कारण था? तो आंसर है, अंग्रेजों को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करना और बिना अनुमति के कोलकाता की किलेबंदी आदि प्लासी युद्ध के कारण थे। तीसरे नंबर में है, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों भयभीत थे? तो आंसर, टीपू सुल्तान विद्वान योग्य शासक और योद्धा थे। वह महत्वाकांक्षी होने के साथ ही कुशल सेनापति भी थे। अंग्रेजों के हाथों हुई अपने पिता की पराजय का वह बदला लेना चाहते थे। टीपू के साहस से अंग्रेज भयभीत थे। चार नंबर की ओर बढ़ते, चार नंबर में है, झारखंड कंपनी सरकार के संपर्क में कैसे आया? तो अब हम देखते हैं। आंसर है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम जिले की ओर से हुआ था। 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवान जब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी, तब छोटा नागपुर झारखंड को ही कहा जाता है, अंग्रेजों के अधीन आ गया। झारखंड उस समय बिहार का एक अंग था। आपको ये मालूम है कि झारखंड और बिहार पहले एक थे, इनका जो पार्ट अलग अलग नहीं था, ये बाद में अलग हुआ है। पांचवें नंबर में देखते हैं, नवाब द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने का क्या उद्देश्य था? तो आंसर, औरंगजेब द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। गवर्नर मुर्शिद कुली खां 1717 से लेकर 1727 ईस्वी ने बंगाल की राजधानी यानी कि 1717 से लेकर 1727 ईस्वी से मतलब कि ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। उसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व वसूली को रोककर अपने राज्य के हितों की रक्षा का प्रयास किया। चैप्टर 2 हमारा क्वेश्चन ऐसे जितना भी था हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का वीडियो हमारे यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।